फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। हियर वी सी दैट ए वन इजक्वल टू सी, बी वन इजक्वल टू थ्री, सी वन इजक्वल टू थ्री, ए टू इजक्वल टू ट्वेल्व, बी टू इजक्वल टू सी एंड सी टू इजक्वल टू सी। एज वी नो दैट फॉर नो सोल्यूशन द कंडीशन इज ए वन अपॉन ए टू इजक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट सी अपॉन ट्वेल्व इजक्वल टू थ्री बाई सी इज नॉट इक्वल टू थ्री बाई सिक्स। इसको हम दो भागों में ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्ट है सी बाई ट्वेल्व इजक्वल टू थ्री बाई सी एंड सेकेंड पार्ट थ्री बाई सी इज नॉट इक्वल टू थ्री बाई सिक्स। स्टूडेंट्स आप चाहो तो यहाँ सी अपॉन ट्वेल्व इज नॉट इक्वल टू थ्री बाई सिक्स भी लेकर चल सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा जो भी सी का मान आएगा एक बार इस इनइक्वलिटी पे होल्ड करा के चेक करना होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू कंडीशन जिसके लिए ट्रू होगा वही हमारा सोल्यूशन कहलाएगा। सो सी स्क्वायर इजक्वल टू 36। अब यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि सी स्क्वायर 36 है तो सी देगा प्लस माइनस सी। इट मीन्स आइदर सी इजक्वल टू 6 और सी इजक्वल टू माइनस 6। अब हम सी बराबर 6 के लिए चेक करेंगे कि 3 बाई सी इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 6 किसके लिए ट्रू होता है। पहले सी का मान 6 रखिए तो देगा 3 बाई 6 इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 6। जैसा कि पता है कि 3 बाई 6 इजक्वल टू 3 बाई 6 होता है ना कि नॉट इक्वल टू 3 बाई 6। सो ये कंडीशन फॉल्स है अतः हम कह सकते हैं कि सी बराबर 6 इज नॉट आवर सोल्यूशन। सो नाउ वी पुट सी इजक्वल टू माइनस सिक्स इन द कंडीशन 3 बाई सी इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 6। हियर वी गेट 3 अपॉन माइनस सिक्स इजक्वल टू 3 बाई 6 विच इज ट्रू। सो वी कैन से दैट फॉर सी इजक्वल टू माइनस सिक्स 3 अपॉन माइनस सिक्स इजक्वल टू 3 बाई 6 इज होल्ड्स। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन फॉर सी इजक्वल टू माइनस सिक्स। थैंक यू।